नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने फैसला लेते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने सख्त पाबंदी लगाई है। रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और इसी के साथ स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, जिम, सिनेमा हॉल अगले 15 मई तक बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। बिना मास्क सड़क पर कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। हाँ, जरूरी सेवाओं में छूट जरूर दी गई है। दूध, दवा, सब्जी और फल दुकानों को राहत भी दी गई है। बंद के दौरान किसी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। कोरोना वाले क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। शादी समारोह में 100 लोगों की ही उपस्थिति रहेगी, जबकि दाह संस्कार में यानी कि श्राद्ध कर्म के में केवल 25 लोग ही शामिल हो पाएंगे। तमाम धार्मिक स्थल 15 मई तक बंद रहेंगे। भीड़ को नियंत्रित करने और प्रखंड मुख्यालय में धारा 144 लागू किया गया है। शाम 5 बजे तक दफ्तर का समय निर्धारित कर दिया गया है और इसके साथ ही नीतीश कुमार ने प्रवासियों से भी आग्रह किया है कि वो जितनी जल्दी हो सके बिहार वापस लौट आएं। नीतीश कुमार के प्रवासियों से इस अपील के बाद अब ये संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले वक्त में कहीं बिहार में कभी भी लॉकडाउन के हालात बन सकते हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप खुद सुनिए। अभिनंदन है, कल भी हम लोगों ने जानकारी दी थी। कल महामहिम राज्यपाल महोदय ने सभी राजनीतिक दल के नेताओं के साथ बैठक आयोजित की थी और हम लोगों ने कल ही बता दिया था। उस बैठक के बाद आज के बारे में हमने कहा था कि यहां पर सारे जिलों के साथ हम लोग इंटरेक्ट करेंगे और सब जगह की स्थिति की जानकारी लेंगे और उन लोगों के द्वारा अपने अपने इलाकों में क्या अनुभव है और क्या और किया जाना चाहिए ये भी, और यहां से भी एक गाइडलाइन। ये सारी बात हुई है, काफी समय लगा है, 4 घंटा से भी ज्यादा। और उसके बाद आप जानते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग कल भी हुई, जो कल लोगों की राय आई और बाकी जगहों से बातचीत किया, और आज जब सभी जिलों के साथ इंटरेक्शन हुआ तो उसके बाद फिर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने बैठक की, बातचीत किया, और पहले भी हम लोगों के साथ चर्चा हुई और उसके बाद भी पूरी चर्चा हुई, तो अंतोगत्वा कुछ निर्णय लिए गए। आप सब जानते हैं कि पहले से भी हम लोगों ने कोरोना जो बढ़ता चला जा रहा है इसका रूप, इसको ध्यान में रखते हुए हर तरह का उपाय किया जाए और लोगों को सचेत किया जाए, इसके लिए निरंतर हम लोग प्रयास करते रहे। और अब स्थिति यह है कि प्रतिदिन यह बढ़ता जा रहा है। अब आज अभी कुछ देर पहले तक की रिपोर्ट है कि आज ही एक दिन में 8,690 नए पॉजिटिव केस मिले, यानी धीरे धीरे स्थिति बढ़ती जा रही है। जो पहले पिछले वर्ष में जितना हुआ था उससे ज्यादा तो हम लोग कल ही पहुंच गए, अब और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी सतर्कता के साथ और जो कुछ भी करना है इसमें लोगों के हित में, वो सब पहले से भी कुछ किया जा रहा है, और जो नए अनुभव और सब लोगों की जो राय आई है उसके बाद जो पूरा विमर्श किया गया है उसके बाद ये सब कुछ काफी कुछ निर्णय लिया गया है। जितना फीडबैक है सब चीज के आधार पर सब कुछ किया गया है। और एक चीज जो आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो फीडबैक और सब तरह का जो हो गया है उसके बाद जो भी जो कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए एक कंटेनमेंट जोन जो पहले था माइक्रो कंटेनमेंट जोन, अब उसको फिर पिछले वर्ष की तरह ही कंटेनमेंट जोन का निर्णय लिया गया कि जो भी ग्रामीण और शहरी इलाके में जहां लोग होंगे तो कुछ इलाकों को घेर करके कंटेनमेंट जोन
बना। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़ चुके हैं। मनोज जी, 3 दिन की हाई लेवल मीटिंग, सीएम लगातार बैठक कर रहे थे और कोरोना को लेकर चिंतित भी थे, और आज अभी हमने बाइट भी सुना है उनका, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉकडाउन के भी संकेत दे दिए। क्या बिहार की जनता सीएम के इस ऐलान से खुश है या फिर सेटिस्फाइड है? देखिए ऋतिक, 3 दिनों से ये हाई लेवल मीटिंग मंथन चल रही थी, सर्वदलीय बैठक में भी हुई, जो भी विपक्ष के नेता हैं उनके साथ भी बैठक हुई सीएम की, बिहार के जितने जिले हैं जिले के डीएम एसपी के साथ जो स्थिति है वस्तु स्थिति है ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रास रूट पे उसकी स्थिति से सीएम नीतीश अवगत हुए, और इस सारे मंथन करने के बाद एक तरफ जहां बिहार की जनता की साथ अटकी हुई थी, चाहे वो बिहार में हो या फिर बिहार के बाहर हो, कि बिहार में लॉकडाउन लगेगा क्या, लेकिन जैसे ही पीसी शुरू किया सीएम नीतीश ने और उन्होंने ये ऐलान किया कि नाइट कर्फ्यू रहेगा, रात के 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा, लेकिन इसमें एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दिया कि जो भी प्रवासी लोग हैं यथाशीघ्र अपने घर आ सकते हैं आ जाए, तो ये कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ये लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि ये नीतीश ने लास्ट में कहा है कि अगली बैठक में हम लोग निर्णय करेंगे कि जो वीकेंड जो लॉकडाउन होता है वो हम लोग लागू करें, कब से करेंगे या नहीं करेंगे वो अगली बैठक में ये बात सामने आएगी। लेकिन जी मनोज जी, लेकिन जो बातें सामने आई और इस तरह के फैसले हुए, कई सारी बातें सामने आई हैं, जैसे सीएम ने कहा भी है कि प्रवासी जो भी बाहर है वो बिहार जल्द से जल्द आ जाए, ये एक लाइन जो है सीएम नीतीश कुमार ने जो कही है कहीं ना कहीं लॉकडाउन के संकेत दे सकते हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि स्थिति भयावह है, 8,970 केस पहली बार ऐसा आया है कि पिछले साल से भी ज्यादा केस सामने आया है, लेकिन 3 दिन का ये मंथन, 3 दिन का पूरा मंथन और उसके बाद नाइट कर्फ्यू, क्या नाइट कर्फ्यू 9 से 5 क्या यही एकमात्र विकल्प हो गया है कोरोना को रोकने के लिए? मनोज जी देखिए ऋतिक, जो 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 भी डॉक्टर लोग हैं, जो डॉक्टर लोगों का कहना है कि कोरोना को की कड़ी तोड़ने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो उसके लिए 14 दिन का समय निर्धारित किया गया था, पहले भी पिछले साल भी ये निर्धारण 14 दिन का हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि नाइट कर्फ्यू लगने के कारण ये कड़ी तो तोड़ा जा सकता है, ये कहीं से संभव नहीं दिखता है अगर डॉक्टर की बात माने तो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना भी है, वित्तीय स्थिति भी देखना है, ये बहुत सारी बातें होती है सरकार के सामने में, क्योंकि पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था उसमें वित्तीय स्थिति बहुत ही गड़बड़ा गई थी, तो कोई भी व्यवस्था चलाने के लिए किसी भी सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है वित्तीय व्यवस्था, तो जाहिर सी बात है कि जब लॉकडाउन लगाया जाएगा तो वित्तीय व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी और कहीं ना कहीं जो वित्त विभाग है उस पर अधिभार मैक्सिमम पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में उससे भी बचना है और इस कड़ी को भी तोड़ना है, मतलब कि जो कोरोना का जो चेन है उसको भी तोड़ना है, तो ये सरकार बीच का रास्ता निकाल रही है, जो भी अधिकारी हैं हाई लेवल की मीटिंग चली, जो भी विपक्ष के लोग हैं उनका भी राय लिया गया, लेकिन नीतीश सीएम नीतीश ने खुद एक्सेप्ट किया है कि पिछले साल से पिछली बार से ज्यादा भयावह स्थिति, आज के डेट में अगर 9,000 पर डे अगर मिल रहा है पेशेंट और अभी सक्रिय जो एक्टिव केस है बिहार में लगभग 40,000 है, और ऋतिक सबसे बड़ी बात है कि राजधानी पटना में सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है पीएमसीएच है एनएमसीएच है एम्स है और इस सारे के सारे कोरोना बेड जो है फुल है, यहाँ पर बेड नहीं है पेशेंट के लिए, प्राइवेट वो बात है, लेकिन पटना के साथ निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कमी है, वो भी बात सामने आई है, पटना के जो बड़े अस्पताल है चाहे वो पारस हो या जो 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 भी निजी अस्पताल है उन्होंने साफ नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है, और सीएम ने कहा भी है, उनकी जो कुछ बातें हमारे पास है उन्होंने कहा है कि जो ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो वक्त पर कर ली जाएगी, तो इसको आप किस नजर से देख रहे हैं मनोज जी? देखिए ऑक्सीजन इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के हाई कोर्ट ने खुद इस मैटर को संज्ञान लेकर के स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से सौंपा किया था, तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन की कमी
समझिए कि अगर होती है तो पेशेंट के लिए लगभग मौत के समान ही होती है। तो वैसी स्थिति में हालांकि सीएम ने कहा कि इस व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाएगा, लेकिन जो चर्चाएं जो हो रही थी वो प्राइवेट कंपनी, जो भी प्राइवेट कंपनी को दिया गया था टेंडर उसके पेमेंट को लेकर के शायद लफड़ा था, इसीलिए उन लोगों ने आपूर्ति शायद रोक दिया था या फिर आपूर्ति नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पैसा का लोड उन लोगों पर भी ज्यादा हो गया था। और ये शायद ये सूत्र बता रहे हैं कि ये जो जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर लिया गया है। और सीएम नीतीश ने भी कहा है कि अब ऑक्सीजन की जो पूर्ति होगी निर्बाध होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार ने अगर अपने संज्ञान में अगर ले लिया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए तो मतलब की नहीं होगी। लेकिन सीएम नीतीश ने जो वीकेंड कर्फ्यू लगाने के बारे में जो उन्होंने कहा कि अगली बैठक में करेंगे, तो हो सकता है अगर आज का जो निर्णय हुआ है सीएम ने जो ऐलान किया है वो अगर ऐसी स्थिति में कोरोना पर और कंट्रोल कुछ नहीं हो पाता है तो वैसी स्थिति में सीएम नीतीश ने ये अपना आगे की सोच अपने अपना पीसी में रख दिया है उन्होंने कि आगे हो सकता है कि वीकेंड लॉकडाउन भी करें, प्रवासी अपने घर आ जाएं, मतलब कि हो सकता है कि अंडर कंट्रोल नहीं होगा तो आगे लॉकडाउन भी लग सकता है, जहां पर संशय की स्थिति बनी हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि नीतीश ने जो भी अभी अनाउंस किया है तो जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन के पैटर्न पे बिहार चल रहा है। रिपीट जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कई बातें आज जो सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है समाज भवन में आज उनको लेकर उन्होंने चर्चा की। अब हमारे साथ पटना से संवाददाता उत्कर्ष जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, 3 दिन का मंथन और नाइट कर्फ्यू, सहमत कहां तक बिहार की जनता? यहाँ साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने 3 दिन तक बैठक की है, उसके बाद कर्सल सर्वदलीय बैठक भी थी, उसके बाद आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई है, जिसके बाद आनंद फानन में सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। जो फैसले हैं उनमें कहीं ना कहीं शिक्षक संस्थानें बंद रहेंगी, शैक्षणिक संस्थानें बंद रहेंगी, जो होटल्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। हालांकि आप होम डिलीवरी खाना मंगवा सकते हैं लेकिन आप वहां जाके खाना नहीं खा सकते। नाइट कर्फ्यू की बात कही गई है जो करीब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी और जितने दुकान है वो जो पहले 7 बजे बंद होते थे अब वो 6 बजे ही बंद होंगे। उत्कर्ष, आप अभी इस वक्त राजधानी पटना में हैं और पटना का नजारा आप देख रहे हैं, आप मौके पर मौजूद भी रह चुके हैं, तो प्रशासन की क्या कुछ तैयारी अब देख रही है? क्योंकि सीएम ने अपनी बात कह दी, उन्होंने कह दिया है कि नाइट कर्फ्यू लगेगा और लॉकडाउन पे कोई विचार फिलहाल उन्होंने नहीं किया है। प्रशासन कितनी मुस्तैद अब सीएम के इस फरमान के बाद दिख रही है आपको पटना की सड़कों पर? उत्कर्ष जी हाँ, ऋतिक, साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया है कि जितने भी जिले के जिलाधिकारी हैं उन्हें खुली छूट दी गई है कि वो कहीं भी धारा 144 लगा सकते हैं। जहां पे भीड़ भाड़ इलाका होता है वहां पे सरकार द्वारा जिलाधिकारियों को पूर्ण रूप से छूट दिया गया है, चाहे वो राजधानी पटना हो चाहे अन्य जिले हो बिहार के। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो संवाददाता उत्कर्ष ने भी जानकारी दी। तो आपको बता दें कि 3 दिन के मंथन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है नाइट कर्फ्यू, उन्होंने कहा है, और फिलहाल लॉकडाउन पे कोई विचार उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन जाते जाते जो बात उन्होंने प्रवासियों के लिए कही है कि बिहार जल्द लौट आइए, कहीं ना कहीं ये संकेत हो सकता है लॉकडाउन का, लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सीएम नीतीश कुमार ने खुद कहा है। तो अब क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में ये पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बिहार में नाइट कर्फ्यू 9 से 5।